हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं ओपनहाइमर और बारबी के अब तक के ओवरऑल इंडिया में और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। दोनों ही मूवीज़ एक ही दिन 21 जुलाई को रिलीज़ हुई थी, इसलिए इनका कंपैरिजन करना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। सबसे पहले बात करते हैं ओपनहाइमर के बारे में। पहले दिन रिलीज़ होते ही ओपनहाइमर ने अपने ओपनिंग डे पर इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज में 14.5 करोड़ और हिंदी लैंग्वेज में 12.75 करोड़ रुपीज़ का कलेक्शन किया। वहीं दूसरी ओर बारबी ने इंडिया में अपने ओपनिंग डे पर केवल 5 करोड़ रुपीज़ का कलेक्शन किया। बारबी ने 7 डेज में इंडिया में टोटल 27.5 करोड़ रुपीज़ और वर्ल्ड वाइड 4,360 करोड़ रुपीज़ की अर्निंग की है। अगर मैं बात करूं ओपनहाइमर के 7 डेज के कलेक्शन के बारे में, तो ओपनहाइमर ने 7 डेज में इंडिया में 73.2 करोड़ रुपीज़ और वर्ल्ड वाइड 2200 करोड़ रुपीज़ का कलेक्शन किया है। ओवरऑल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में बारबी ने ओपनहाइमर को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है और ये सिलसिला अभी भी जारी है। लेकिन IMDb रेटिंग्स के मामले में ओपनहाइमर बारबी से काफ़ी आगे है। IMDb पर ओपनहाइमर को 8.7 जबकि बारबी को 7.5 की रेटिंग्स ही मिली हैं। दोनों ही मूवीज़ ने अपने बजट के हिसाब से काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, जिसमें ओपनहाइमर का बजट 100 मिलियन यूएस डॉलर है, वहीं दूसरी ओर बारबी का 145 मिलियन यूएस डॉलर्स है। आप लोगों ने ये दोनों मूवीज़ देखी या नहीं, और अगर देखी तो कौन सी मूवी ज़्यादा पसंद आई कमेंट करके ज़रूर बताना।